वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए कि बहुत ही सुंदर प्यारी सी पोशाक बनाना सीखेंगे। और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये जो ड्रेस का जो डिज़ाइन है हम ऑल साइज़ में बना सकते हैं और वूल एंड थ्रेड यानी कि गर्मी और सर्दी के लिए दोनों के लिए ही हम बना सकते हैं। और मैंने आपको जो बनाना बताया वो घेरे से स्टार्टिंग बताया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग करने का तरीका बताया है आप उसी तरीके से स्टार्टिंग करके ऑल साइज़ में यानी कि थ्रेड में मैंने 6 नंबर तक चोली बनाई हुई है। और आपको मैं 2 और 3 का लिंक भी दे दूँगी, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं जो भी आपको चोली बनानी है। और घेरा आपको जितना चाहिए आप उसके हिसाब से जो साइज़ आपको चाहिए उसकी चोली बनाइए। और कोई भी घेरा बनाकर आप अगर डिज़ाइनिंग यहाँ से लेकर बॉक्स वाला घेरा या फ्रंट पोस्ट वाला घेरा भी आप बनाकर ये डिज़ाइनिंग यहाँ से सेम तरीके से आप वूल एंड थ्रेड दोनों में ही बना सकते हैं। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे। ये देखिए हमारे कॉटन के थ्रेड हैं ग्रीन, मजेंटा एंड येलो। और कुछ हमने पल्स यूज़ किए हैं इसमें 8 mm के, ये देखिए। और क्रोशिया है हमारा 0.9 mm का और सीज़र। और वूल से अगर आप बनाते हैं तो वूल से बनाने के लिए आपकी जैसी वूल है तो आप उस हिसाब से इसका क्रोशिया चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ कि आप ऑल साइज़ में इसको बना सकते हैं। जो भी आपको चोली बनानी है आप वो चोली बनाइए और फिर घेरा बनाइए। अगर दूसरा घेरा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे जो मैंने मजेंटा कलर से स्टार्ट किया। अगर आप सिंपल घेरा बनाना चाहते हैं तो सिंपल घेरा बनाने की चोली बनाइए, सिंपल घेरा बनाइए और उसके बाद इसको बना सकते हैं। सेम वूल एंड थ्रेड दोनों में सेम तरीके से बना सकते हैं। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने चोली बना ली है क्योंकि वूल में और थ्रेड में इसी हिसाब से बता रही हूँ ताकि आप दोनों में ये डिज़ाइन बना सकें। तो आपको अगर वूल में बनाना है तो वूल में चोली बनाइए और थ्रेड में बनाना है तो आप थ्रेड में चोली बनाइए, जो भी आपको साइज चाहिए। क्योंकि मैंने अपने चैनल पर 0 से लेकर और 6 नंबर तक चोली बनाना सिखाया हुआ है और वूल में तो मैंने 10 नंबर तक सिखाया। तो आप वहाँ से जो आपको साइज चाहिए उसी की आप चोली बना लीजिए। उसके बाद जो स्टार्टिंग है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करनी है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमने इस चोली को, क्योंकि लास्ट में मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया है 1 रो, तो उसके बाद मैंने ये 3 चेन बना ली है ये लास्ट में। और 3 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को हम यहाँ टर्न कर देंगे ऐसे। और टर्न करने के बाद फर्स्ट में तो हमारा ये 1 3 चेन का डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और सेम चेन स्टिच के अंदर हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। यानी कि पहले में ही हमने सिर्फ 1 बनाया और नेक्स्ट में हमने 2 बनाया। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी हम 2 टाइम ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एवरी चेन के अंदर जब भी आप चोली के बाद स्टार्ट करें, तो वो बता रही हूँ मैं आपको, जब भी आप घेरा स्टार्ट करें तो एवरी चेन स्टिच के अंदर हम 2 2 बार, हर चेन में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए घेरे का ये फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। एवरी चेन में हमने 2 2 बार बनाया और यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में 1 बार बनाया था, तो लास्ट में भी हम यहाँ पर 1 टाइम ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। अभी हम ज्वाइंट नहीं करेंगे। तो ये देखिए, पहले में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी चेन में, और तीसरी चेन में हम यहाँ पर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर दूसरी चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया, एवरी सेकेंड चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये अपना रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सेकेंड रो के लास्ट में आ गए, यहाँ 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर अब हम लास्ट में भी हमने 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है। आप कोशिश कीजिए लास्ट में और स्टार्टिंग में हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके बाद ये देखिए अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे क्योंकि ये हमारा सेकेंड रो है। और ये देखिए हमारी यहाँ पर ये फ्रंट साइड है,
इस चेन से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो तीन चेन का हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे करके और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। देखिए स्लिप स्टिच बनाकर हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया। ये मैं आपको ऑल साइज के लिए बता रही हूँ। फिर से यहाँ पर हम दो तीन चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में भी हम नेक्स्ट जो हमारी चेन स्टिच है उसके अंदर भी हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो नेक्स्ट वाली है हमारी उसके अंदर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि दो डबल क्रोशिया के बाद जो तीसरी चेन स्टिच आएगी हमारी उसके अंदर हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना। तो ये एक बार बनाएंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया और फिर तीसरे को हम तीसरी चेन स्टिच के अंदर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना जो घेरे का राउंड है इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ और, हमने जैसे दो राउंड बनाने के बाद यहाँ पे कनेक्ट किया, अगर आप बड़े साइज की यानी कि 4, 5, 6 जो भी है तो आप तीन राउंड बनाने के बाद इसे कनेक्ट कीजिए, वरना गले में से आना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी ड्रेस है हमारी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दो राउंड बनाने के बाद ही कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए घेरे के हम थर्ड राउंड के लास्ट में आ गए हैं और यहाँ अभी हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में हम वन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपने वर्क को यहाँ पर ये जो तीन चेन का एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया उग डालेंगे यहाँ और इसको यहाँ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। फिर से यहाँ पर एक दो तीन चेन का एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में भी हम ये देखिए दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया, अभी हम दो के बाद बना रहे थे, तीसरी चेन में दो बार बना रहे थे, अब हम यहाँ पर चौथी चेन के अंदर ये देखिए चौथी चेन के अंदर हम यहाँ पर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एवरी फोर्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम यहाँ ये जो फोर्थ राउंड है इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फोर्थ राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया इसको और यहीं पर हम एक दो तीन चेन बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट चेन स्टिच में भी हम यहाँ पर वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में वन टाइम डबल क्रोशिया, यानी कि चार डबल क्रोशिया हो गए अब हमारे। और जो हमारी पाँचवीं चेन स्टिच होगी उसमें हम टू टाइम बनाएंगे और इसी तरीके से हर पाँचवीं चेन के अंदर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहले हमने ये देखिए एवरी चेन के अंदर दो दो बनाया, बस फर्स्ट में और लास्ट में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, सेकंड में हमने हर सेकंड चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर एवरी थर्ड चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, एवरी फोर्थ चेन में, इसी तरीके से एवरी फिफ्थ चेन में हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए जितना भी हमें जो भी साइज़ का हमें घेरा चाहिए तो आप बना सकते हैं। देखिए अगर हम दो नंबर की ड्रेस बनाते हैं तो 4 इंच का हमारा टोटल घेरा होता है और तीन नंबर की बनाते हैं टोटल 6 इंच का घेरा होता है। तो ये घेरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप छोटा बड़ा कैसे अभी आप घेरा बना सकते हैं, बस आपको घेरा थोड़ा 1 इंच छोटा बनाइए आप, क्योंकि ऐसे जो डायमीटर है यानी कि डायमीटर के हिसाब से तो 2 इंच घेरा छोटा बनाइए, यहाँ से नापने से आप 1 इंच घेरा छोटा बनाइए क्योंकि उसके बाद हमें डिज़ाइनिंग भी बनानी है इस ड्रेस में। तो ये देखिए मैं इसको कंप्लीट करके जितना भी मुझे चाहिए ड्रेस के लिए वो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। राधे राधे जी, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर ली। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच रो में पांच रो कंप्लीट कर ली। मैं एक और आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स जब मैं बना रही थी पाँचवीं रो तो हर पाँचवीं ये देखिए यहाँ पर हमने नीचे एक हर चौथे डबल क्रोशिया को डबल बनाया था और यहाँ पे हमने हर पांचवे डबल क्रोशिया को डबल बनाना था। तो लेकिन जब मैं बना रही थी तो इसमें थोड़ा झोल आने लगा तो मैंने एवरी चेन में वन वन टाइम ही डबल क्रोशिया बनाया। तो इसका मतलब ये है कि धागे में जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वूल में आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना क्योंकि वूल की तो हम बहुत सारी ड्रेसेज फ्लैट सर्कल घेरे से ही हमने बनाई हैं तो उसमें बिल्कुल कोई आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाँचवीं रो को आप प्लेन बनाकर फिर इसके बाद जो रो अगर आप बनाएंगे तो हर पांचवे चेन स्टिच को आप डबल क्रोशिया बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ से हमने ये कट किया है यहीं से अब मैं बनाना शुरू करी। तो जब भी आपका घेरा कंप्लीट हो जाए सिर्फ 1 इंच पहले आपने डिजाइन स्टार्ट करना है।
कोई भी आप जब भी ड्रेस बनाएं तो आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने अपनी चैनल पर बताया आपको चोली बनाने का तरीका और फ्लैट सर्कल घेरा भी बनाना अब बताया है, बॉक्स वाला और फ्रंट पोस्ट वाला कोई भी आप घेरा अपनी चोली के साथ बना सकते हैं, उसको भी आप बना सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ऑल साइज़ में इसको बना सकते हैं, चाहे आप ये भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से ये जो चेन स्टिच है इसमें हम थ्रेड यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पर एक दो तीन चेन स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से ऊपर से हम वूल लेंगे और यहाँ पर ये देखिए यहाँ इसके अंदर हम ऐसे करके ये एक डबल क्रोशिया हो गया और एक तीन चेन का दो हो गए, ये तीन और ये चार। तो ये देखिए हमारे ये चार डबल क्रोशिया हो गए हैं ऐसे। राधे राधे जी, ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वीडियो बीच में डिलीट हो गई थी इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। ये देखिए पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना जो थ्रेड है हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद तीन चेन बनाई, एक तीन चेन और उसके बाद चार डबल क्रोशिया, तो टोटल ये पांच डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ से हम एक दो तीन चार पाँच, पाँच हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक हो गया, तो ये मान लीजिए तीन चेन का है ये। तो दूसरा डबल क्रोशिया दो तीन चार पाँच, ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए हैं। और पांच डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे, फाइव के बाद सिक्स चेन स्टिच। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन स्टिच बनाने के बाद हम यहाँ पर ये जो हमने पहला डबल क्रोशिया यानी कि आपका स्टार्टिंग होगी तो तीन चेन का एक डबल क्रोशिया बनाते हो, तो उसकी तीसरी चेन में ऐसे क्रोशिया उड़ा लेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो लूप हमारा बना है छः चेन का, इसके अंदर हम ऐसे करके एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। ये हमने टोटल एट्थ यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। और उसके बाद फिर से हम यहाँ से बल लेंगे और यहाँ पर हम फिर से पांच के बाद सेम ऐसा ही बनाएंगे। तो ये देखिए जब हम लास्ट में आ जाएंगे इस तरह से बनाते हुए, तो यहाँ पर आकर एक बार हम काउंट जरूर करेंगे। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, अगर हम पाँच के बाद एक बनाते हैं सेम ऐसा ही डिज़ाइन, तो उसके बाद फिर काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच, तो लास्ट में हमारे तीन बचते हैं। लेकिन हमें इसको अब हम चार चार में डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो हमें यहाँ पर ये देखिए सेम मैंने यहाँ पाँच पाँच में किया, तो आप भी पाँच पाँच में ही कीजिए। और उसके अब मैं यहाँ पर चार चार में करूँगी। तो ये देखिए सेम ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये पाँचवा डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर हम एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः चेन स्टिच बनाने के बाद हम यहाँ पर ऐसे लूप निकाल लेंगे ये, और लूप निकालने के बाद हम यहाँ पर इस लूप के अंदर से ये एक सिंगल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ सिंगल क्रोशिया हो गए। तो ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है कुछ इस टाइप का है। और हम फिर से अब यहाँ पर ये देखिए चार के बाद फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए वर्क करते हुए हम लास्ट में आ गए। मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स आपको वूल में कैसे बनाना है। देखिए वूल के लिए भी सेम है आपको कि ये जो हमारा वूल जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर पांच पांच का स्पेस दिया है, आप चार चार का ही स्पेस दीजिए और यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया और ऊपर छह चेन बना लीजिए। और उसके बाद जैसे मैंने इसमें आठ सिंगल क्रोशिया बनाया, आप इसी तरीके से आठ सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा राउंड एज ए ही इसको बनाकर वूल में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा मेरे पास कम पड़े थे, इनमें एक एक मैंने कम कर दिया था, तो लास्ट में हमारे फिर से पांच का ही गैप आ गया। तो ये जो हमने स्टार्टिंग की थी तीन चेन से, मैंने आपको बताया था उसमें मैं क्रोशिया हुक डालूंगी और ऐसे लूप निकालते हुए इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है। अब हम आगे बनाएंगे। ये देखिए हमने येलो कलर का जो हमारा थ्रेड है उसके अंदर मैंने ये 8 mm के पर्ल्स हैं ये मैंने डाले हैं। तो डालने का तरीका, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है तो मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी बारीक नीडल लेकर उसके अंदर ऐसे धागा डाल लीजिए तो ये लूप बन जाएगा। इस लूप के अंदर से हम हमारा थ्रेड ऐसे निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पर्ल्स डालेंगे ऐसे करके। और ये आपको कितने पल्स डालने हैं तो उसके लिए मैं बताती हूँ। ये देखिए जितने हमारे ये वाला पोर्शन है, जितने हमारे ये हैं, इनको आप काउंट कर लीजिए, जितने भी हों उससे दो तीन आप ऊपर रख सकते हैं बस। ठीक है, तो हम इसको येलो कलर को देखिए अब यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने अपना वर्क कंप्लीट किया था और ये कट किया था इस। अब मैं आपको बताती हूँ, तो ये देखिए जो हमारी स्टार्टिंग है यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, ये जो हमने पहला चेन स्टिच है, इस ये जो आठ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसकी पहला जो हमारा ये चेन स्टिच है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे करके। ये हमने लूप निकाल लिया, ये देखिए ये हमने यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद यहीं पर हम देखिए यहाँ से हमने कट किया था अपने वर्क को और यहीं से हमने इसमें सारे मोती डाल लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मोती डाले हुए हैं यहाँ पर और अब हम इसी को ऐसे बनाएंगे। ये जो जहाँ से हमने कट किया यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा ये जो इसका पहला चेन स्टिच है ये इसके अंदर ऐसे हम क्रोशिया हुक डालेंगे और ये जो हमारा थ्रेड है येलो वाला इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। सॉरी ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद सेम चेन स्टिच में ही हम दोबारा से डालेंगे क्रोशिया को। ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे करके। ये देखिए हमारे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद तीन डबल क्रोशिया हो गए। एवरी चेन के अंदर हमने एक एक चेन में एक एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें मोती लगाना है तो उसके लिए ये देखिए आपको ऐसे मोती को हम आगे रखेंगे ऐसे और यहाँ से लूप लेंगे और लूप लेने के बाद जैसे हम डबल क्रोशिया, ये जो हमारी नेक्स्ट चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया उड़ालेंगे डबल क्रोशिया के लिए, जैसे लूप निकालते हैं ऐसे। और अब ये जो हमारा मोती है इसको हम आगे की तरफ ले आएंगे ऐसे। तो ये देखिए अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो डबल क्रोशिया हम जैसे दो का एक करते हैं सेम ऐसे ही करेंगे, फिर से हम दो का एक कर देंगे। तो ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा ये पर्ल यहाँ पर कनेक्ट हमने स्टिच कर दिया है। ये देखिए हमने यहाँ पर पर्ल लग गया हमारा। अब नेक्स्ट में भी हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और फिर नेक्स्ट में हम फिर से ये सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा वर्क कुछ ऐसा है। अब हमें ये देखिए यहाँ पर ऊपर से हम बन लेंगे एक बार, दो बार और ये तीन बार। और तीन बार लेने के बाद क्योंकि हमारे यहाँ पांच पांच डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये जो ये वर्क के साथ वाला जो हमारा डबल क्रोशिया इसके अंदर हम ऐसे जैसे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं उसी तरीके से हमें बनाना है ऐसे करके। और यहाँ से लूप निकालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे और फिर से हम दो का एक करेंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क इस टाइप का होगा। फिर से हम यहाँ पर ये देखिए एक बार बन लेंगे, दो बार और ये तीन बार।
और अब हमें इस वाले के जो पहला हमारा डबल क्रोशिया, इसमें से हम ऐसे नीचे से निकालेंगे, लूप निकालते हुए दो का एक करेंगे, फिर से हम दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, ये देखिए इस टाइप से। और फिर अब हमें ये देखिए, ये जो यहाँ पर हमारा पहला चेन स्टिच है, ये देखिए पहले चेन स्टिच के अंदर हम ऐसे, ये देखिए ध्यान से, पहले चेन स्टिच में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ऐसे करके। और फिर अब हम ये जो हमने पर्ल यहाँ पर डाले हुए हैं उसमें से एक पर्ल हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे, आगे ले आएंगे इसको हम ऐसे, और ऐसे आगे रखेंगे, देखिए ध्यान से ऊपर से बल लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में से लूप निकाल लेंगे, और अब इस पर्ल को हम ऐसे आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद हम दो का ये एक करेंगे, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे, तो ये पर्ल हमारा यहाँ स्टिच हो गया। नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे करके, नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया के बाद एक दो तीन बार हम बल लेंगे, और ये जो हमारा इसके साथ ये जो नीचे एक डबल क्रोशिया इसके नीचे से फ्रंट पोस्ट की तरह हम लेंगे, लूप निकालेंगे ऐसे, और यहाँ पर दो का एक करेंगे, फिर से यहाँ दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, तो ये देखिए इस टाइप से हमारा वर्क होगा। और फिर से हम स्टार्टिंग करेंगे, एक दो तीन, तीन बार बल लेंगे, और ये वाला हमारा जो साइड है इसके नीचे से हम ऐसे निकालेंगे, दो का एक करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक दो तीन, ये दो का एक, फिर से दो का एक, फिर से दो का एक, यहाँ भी दो का एक, और ये जो हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ पर सिंगल जो चेन स्टिच है उसमें से हम सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है, और इसी तरीके से हम पूरा राउंड ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया और हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं, और यहाँ से हमने कनेक्ट किया था, यहीं से हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे ऐसे करके। ये देखिए यहाँ से वूल, ये अपना थ्रेड निकालते हुए इसको यहाँ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे और यहीं पर हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा तैयार हो गया है गोपाल जी की ड्रेस। ये देखिए मैंने गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है, और ये दो और तीन नंबर गोपाल जी के लिए ये मैंने ड्रेस बनाई है। आप ऑल साइज़ में थ्रेड और वूल दोनों में इसको बना सकते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे।